क्या आप शेयर मार्केट, लॉटरी, जुए, सट्टे में पैसा लगाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं और आपका नुकसान होता है? शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां रोज लोग रंक से राजा बनते हैं और राजा से रंक बनते हैं। एक तरफ जहां पैसा लगाने से लोगों की किस्मत चमकती है, वहीं दूसरी तरफ लोग बर्बाद हो जाते हैं, लोगों के पैसे डूब जाते हैं। इसलिए शेयर मार्केट में काम करने वाले व्यक्तियों को सावधानी बरतना अत्यंत जरूरी है। और आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, यह खास उस बात के लिए बना रहा हूँ कि आपकी जन्म कुंडली में शेयर मार्केट से, लॉटरी से, जुए से या गैम्बलिंग से धन कमाने के योग हैं या नहीं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा बाजार है जिसमें करोड़ों लोग रोज अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन धन उन्हीं को मिलता है जिसकी किस्मत में, जिसके भाग्य में वह योग होता है। तो आप देखिए कि भाग्य की कमी के कारण वो लोग पैसा नहीं कमा पा रहे हैं जिनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिनके ग्रह नक्षत्र साथ नहीं दे रहे हैं। चंद लोग ही ऐसे हैं जो अपनी किस्मत के कारण अपने भाग्य को चमकाते चले जा रहे हैं, अपने ग्रहों के कारण अपने भाग्य को चमकाते चले जा रहे हैं। आपने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिट्टी को भी छूते हैं तो सोना हो जाता है। ये भाग्यवान लोगों का ही काम है। आखिर कैसे बनता है वो भाग्य, कौन से ग्रह वो भाग्य बनाते हैं कि मिट्टी को छूते ही सोना हो जाता है? आप भी ऐसे भाग्य के मालिक बन सकते हैं कि जो लोग शेयर मार्केट में पैसा कमाते हैं उनकी जन्म कुंडली में, या जो बदकिस्मत अपने को कहते हैं कि मैं शेयर मार्केट से नहीं कमा सका, उनकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब होते हैं। होता यह है कि पांचवां, आठवां और ग्यारहवां भाव अचानक धन लाभ का योग बनाता है, चाहे वो जुए से हो, सट्टे से हो, लॉटरी से हो, शेयर मार्केट से हो या अन्य किसी चीज से। पांचवें, आठवें और ग्यारहवें भाव के मालिक की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो उतने पीरियड में वो आदमी शेयर मार्केट से, जुए से, सट्टे से, लॉटरी से पैसा कमाता है, इसका योग बनता है। या पांचवें घर का मालिक, आठवें घर का मालिक, ग्यारहवें घर का मालिक इजी मनी के घर में बैठा हो, धन भाव के घर में बैठा हो, इनकम के घर में भाव में बैठा हो तो भी वो अचानक धन लाभ कमाता है। इस तरह से यह योग बनता है और इसको बनते हुए लोग देखते हैं और पैसा कमाते हैं। इन ग्रहों की स्थिति मजबूत होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी घर में बैठे हों। जैसे मैं आपको बताऊं, पांचवें घर का मालिक अच्छे घर में बैठा हो, बलवान होकर के बैठा हो, बलि जिसको कहते हैं वो होकर के बैठा हो, अच्छी दिशा में बैठा हो, या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पांचवें घर पर पड़ रही हो तो भी व्यक्ति शेयर मार्केट से या जुए सट्टे लॉटरी से पैसा कमाता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग धन नहीं कमा पा रहे हैं शेयर मार्केट में, जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, और रोज रोज अपनी किस्मत आजमाते चले जा रहे हैं गैम्बलिंग जैसे कामों में, किसी भी प्रकार का काम हो, उनके ग्रहों की स्थिति ही इस प्रकार इसके ठीक विपरीत होती है। जैसा मैंने कहा कि पांचवां, आठवां और ग्यारहवां घर बलवान हो, उसमें बैठे हुए ग्रह बलवान हो, मजबूत हो, और उस भाव का स्वामी अच्छे घर में बैठा हो तो लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन छठवें का स्वामी ग्यारहवें में बैठ गया हो, पांचवें का स्वामी आठवें घर में बैठ गया हो, ग्यारहवें घर पे किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, या पांचवें, आठवें, ग्यारहवें घर पर भी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, पाप ग्रह बैठ जाए, या ऐसे घरों पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो ऐसे लोग भाग्य के हीन कहे जाते हैं। इनका भाग्य साथ नहीं देता, ये हमेशा अपने आप को कोसते रहते हैं कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जबकि इसको सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। ज्योतिष में इस तरह के उपाय बताए गए हैं, इस तरह के समाधान बताए गए हैं कि ग्रहों की स्थितियों को बदला जा सकता है, कौन से घर को कहां से काम करवाना है, कौन से घर का स्वामी किस घर में बैठा है। शास्त्रों में ऐसे उपाय दिए गए हैं कि भाग्य के मालिक अगर छठे घर में बैठ गया है, कहते हैं कि जदा भाग्य मालिक भले घर पड़े, कमा कर सुदौलत खजाना भरे। तो भाग्य मालिक अगर भले घर में, अच्छे घर में बैठ जाता है तो सुदौलत, अच्छी दौलत कमा करके वो खजाना भरता है, लेकिन वही भाग्य का मालिक अगर छठवें और बारहवें घर में बैठ गया तो कमाने के लिए ज़िंदगी भर तरस मिलता है। तो उसी को भाग्य से काम करवाने के लिए, उसी को दूसरे घर से काम करवाने के लिए, उसी को पांचवें घर से काम करवाने के लिए हमारे पास तमाम प्रकार के ज्योतिष में उपाय बताए गए हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। उन्हीं उपायों के आधार पर आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और शेयर मार्केट, जुए, सट्टे, लॉटरी में भी पैसा कमाने का योग बना सकते हैं।
तो अब बात करते हैं ग्रहों की। कौन से ग्रह आपको ज़्यादा प्रभाव देते हैं इस तरह के कामों में, जो शेयर मार्केट है, जुआ सट्टा, लॉटरी या गैम्बलिंग के काम में? राहु एक पापी ग्रह कहा गया है, ज्योतिष के दृष्टिकोण से वो पापी ग्रह माना जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जुआ सट्टा लॉटरी या शेयर मार्केट में कमवाने वाला ग्रह, राहु ग्रह को प्रसन्न करके ही धन कमाया जा सकता है। राहु इतना बलशाली है इस मामले में कि अगर वो मिथुन का बैठा हो तीसरे घर में, दसवें घर में बैठा हो, या कहीं अच्छी जगह आठवें घर में बैठ गया हो उच्च का, तो अचानक धन लाभ देता है। या नहीं बैठा हो तो उसे उस तरह का काम करवाया जा सकता है, जैसे मैंने कहा कि ग्रहों को कहीं से भी कहीं का काम करवाया जा सकता है। तो राहु ग्रह को प्रसन्न करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं जुए सट्टे लॉटरी या गैम्बलिंग शेयर मार्केट में। इसी के साथ पहला ये उपाय है कि तांबे का होल वाला सिक्का, अगर तांबे का होल वाला जो बहुत पहले प्राचीन काल में चला करता था, अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी तांबे के सिक्के में होल करवा के लाल धागे में अपने गले में नियमित रूप से पहने। अब मैं दूसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले लोगों को चाहिए कि 14 मुखी के 3 रुद्राक्ष लाल धागे में बना करके गले में पहने, क्योंकि 14 मुखी रुद्राक्ष पर भगवान हनुमान जी का निवास होता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करने वाले भी 14 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में काम करने वालों के लिए, शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और इस रुद्राक्ष को पहनने से पहले, लेने के बाद जो व्यक्ति इसे धारण करना चाहता है उसे चाहिए कि इसको विधिवत प्राण प्रतिष्ठित करवा करके ही अपने गले में किसी शुभ मुहूर्त में, शुभ वार को, शुभ नक्षत्र में ही धारण करें। तीसरा उपाय बताना चाहता हूँ कि लेड शीशा, एक धातु आती है लेड शीशा, उस पर राहु का यंत्र बनवाएं या भोजपत्र पर राहु का यंत्र बनवाएं और उसे तांबे की ताबीज में, अगर लेड पर आप राहु का यंत्र बनवाते हैं तो पूजा स्थल में रखें या अपने पर्स में रखें या अपने बैग में रखें, यदि भोजपत्र पर आप बनवाते हैं तो उसकी तांबे की ताबीज में या सोने की ताबीज में या चांदी की ताबीज में उसे भर करके सदैव अपने गले में धारण करें, जिससे राहु प्रसन्न रहता है। और मैंने जैसा बताया है कि राहु के कारण शेयर मार्केट में फ़ायदा उठाया जा सकता है, राहु को प्रसन्न करके इन चीज़ों में, जुआ सट्टा लॉटरी या गैम्बलिंग में पैसा कमाया जा सकता है। तो राहु को प्रसन्न करने के ये तरीके मैंने आपको बताए हैं और ये उपाय करके आप पैसा कमा सकते हैं। चौथा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, भगवान भोलेनाथ को भगवान शिव के मंदिर में या किसी देवी के मंदिर में 7 शुक्रवार तक नीले रंग का फूल अर्पण करें या नीले रंग के फूल की माला अर्पण करें, उन्हें प्रसाद चढ़ाएँ, नैवेद्य चढ़ाएँ, धूप दीप दिखाएं और अपने मन की मनोकामना कहें। इससे आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, इस मार्केट के क्षेत्र में, आपको लाभ की संभावना बढ़ जाएगी। इसी के साथ मैं पांचवा उपाय और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय, जिसको आप करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा उपाय है कि शनिवार के दिन 2 जायफल, किसी भी हनुमान जी का कहीं भी, कोई भी आपके नज़दीक जो मंदिर हो वहाँ 2 जायफल ले जा करके उनको चढ़ाएँ, वहाँ 2-5 मिनट रुक करके अपने मन की प्रार्थना करें, फिर धूप दीप से पूजा करने के बाद, अपनी मनोकामना कहने के बाद, वहाँ से 1 जायफल आप उठा लें, ला करके अपने घर में, जो आपका मंदिर है, जहाँ देवस्थान है या जहाँ पवित्र चीज़ें रखी जाती हैं, वहाँ पर आप रखें। शनिवार को ये क्रिया किया आपने, अब अगले शनिवार तक इंतज़ार करें, जो जायफल आप हनुमान जी के मंदिर से उठा करके लाए हैं वह जायफल घी डाल करके किसी कटोरी में या किसी पात्र में जला दें। जब वो जल करके पूरा राख हो जाए तब उसे एक लाल कपड़े में बांध लें उस राख को, और वह राख हमेशा अपनी जेब में रखें या अपने बैग में रखें, अपने पर्स में रखें, या जहां ऑफिस में आपका ड्रावर हो, जहां धन रखते हैं वहां रखेंगे, तो इस क्षेत्र में आपको इनकम बढ़ने की संभावना पूरी बढ़ जाती है और आपको लाभ ही लाभ होगा। आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे संपर्क करना चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें। इसी के साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तथा आपके जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजें, ताकि आने वाले समय में उस प्रकार का वीडियो बना करके मैं आपकी समस्या को दूर कर सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।